हेलो बच्चो लेट्स रीड द क्वेश्चन इन डाउन सिंड्रोम ऑफ अ मेल चाइल्ड द सेक्स कॉम्प्लीमेंट इज सो इसके साथ हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द की सो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है अबाउट डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम से डाउन सिंड्रोम का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइजोमी ट्वेंटी वन अब ट्राइजोमी ट्वेंटी वन का क्या मतलब है ना ट्वेंटी फर्स्ट जो क्रोमोजोम होता है ट्वेंटी फर्स्ट जो पेयर होता है वहां पे आपको थ्री कॉपीज ऑफ अ क्रोमोजोम देखने को मिलती है ठीक है तो ये जो तीन कॉपीज देखने को मिलती है अब क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि जो टोटल क्रोमोजोम्स है टोटल जो क्रोमोजोम्स है वो ह्यूमन बॉडी में कितने फोर्टी सिक्स यानी कि ट्वेंटी थ्री पेयर तो ट्वेंटी थ्री पेयर अगर हम लिखते हैं तो उसमें ट्वेंटी टू पेयर कौन से होते हैं ट्वेंटी टू पेयर होते हैं ऑटोजोम्स और जो लास्ट वाला जो पेयर होते हैं यानी कि वन पेयर जो बच्चा है वो होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स सो ये चीज हमें पता है सो so, अब आप देखिए कि ये जो ट्वेंटी फर्स्ट पेयर है ना ट्वेंटी फर्स्ट पेयर जो कि अब ट्वेंटी फर्स्ट पे हमें थ्री कॉपीज देखने को मिलती है तो वो किसके अंदर आया वो तो ऑटोजोम्स के अंदर आया ना अगर हम कहते कि ट्वेंटी थर्ड पे दिखने को मिल रही है तो वो फिर सेक्स क्रोमोजोम पे आता लेकिन ये तो ट्वेंटी सेकेंड से पहले है सो तो ऑटोजोम so, में अगर ट्रिपल कॉपी वो भी ट्वेंटी फर्स्ट पोजिशन पे देखने को मिल रही है सो so, वो क्या हुआ वो हुआ डाउन सिंड्रोम सो ये चीज हमें अब पता लग गई है नाउ लेट्स डिस्कस दी क्वेश्चन सो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे क्वेश्चन ने बोला कि एक बच्चा है वो भी मेल चाइल्ड जो कि ये सिंड्रोम सिंड्रोम से से पीड़ित पीड़ित है और से होने के बाद ना हमें बताना है एज इन जो क्रोमोजोम्स uh, होते हैं उसमें उसका सेक्स कॉम्प्लीमेंट कौन सा है यानी कि सेक्स पेयर कौन सा होगा तो देखो हमें क्या पता है हमें है कि ये जो डाउन सिंड्रोम है ये तो ऑटोजोम्स में हो रहा है ना ये तो अः uh, सेक्स वाले क्रोमोजोम्स पे हो ही नहीं रहा ये ऑटोजोमल क्रोमोजोम पे हो रहा है सो so, उसका मतलब नॉर्मल मेल्स कौन से होते हैं नॉर्मल मेल्स वो होते हैं जिनका जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो होगा एक्स वाई सो एक्स वाई ही हमारा आंसर है देखो डाउन सिंड्रोम होने से ये अफेक्टेड होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा हाँ ऑटोजोम अफेक्टेड हो गए वो भी ट्वेंटी फर्स्ट पेयर वाले अदरवाइज कोई और नहीं होगा राइट सो द करेक्ट आंसर इन द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एक्स वाई अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है एक्स ओ ये एक्स ओ का क्या मतलब है ये ओ ना खाली स्पेस है और ये आपको कब देखने को मिलता है ये आपको टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है अच्छा सो so, अब अगर आगे बढ़े आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है एक्स एक्स सो एक्स एक्स क्या है एक्स एक्स तो फीमेल कॉम्प्लीमेंट हो गया है ना फीमेल कॉम्प्लीमेंट हो गया और फिर क्या कह रहा है एक्स एक्स वाई तो एक्स एक्स वाई किस में देखने को मिलता है एक्स एक्स वाई ना मेल्स में देखने को मिलता है जब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाता है और इसे क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम कहते हैं सो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा कि जो मेल कॉम्प्लीमेंट को सजेस्ट करता है इन द डाउन सिंड्रोम इट इज ऑप्शन बी आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक